गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। सुबह के 12:45 के करीब का टाइम हो चुका है, आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। वजह उसकी आपको बताता हूँ। वजह है, जो आपने जब रामगढ़ से निकले थे ना, हमें रास्ते में कुछ भाई मिले थे, तो जिन्होंने हमें रोक के ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई थी, उनके जो मेन रिलेटिव ना, जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर वगैरह लगा लो, भैया लगा लो, तो वो उनके मतलब वो आपके क्या लगते थे भैया? वो अच्छा, वो भैया के सगे भाई थे। तो अभी आप उस भैया से मिलाते हैं जो मेन, जिन्होंने उनको बोला था कि भी रास्ते से हम जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी खातिरदारी करो। तो अभी भैया से मिलाते हैं। तो भैया जी नमस्कार। सर, सर नाम क्या आपका? श्याम सिंह भाटी। श्याम सिंह भाटी, और गांव कौन सा आपका? गांव धोबा खोड़ी। धोबा खोड़ी, जो खुरी में निकल के गए थे ना, जहाँ मैं सैंडून दिखा रहा था, भी ये सैंडून ना ये सबसे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ सर का घर है। तो सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी लगा था। और सर के साथ खाना वाना खाने चले गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, नहीं तो इस टाइम तक निकल जाते। तो सर भी बाय चांस इधर जोधपुर आए हुए थे, मिल लिया, नहीं तो सर तो काफ़ी टाइम से कॉल कर रहे थे भी मिलना, बट अब मिल नहीं सके, बस इनके भाई लोगों से मिला और उसके बाद निकल गए थे। फिर ठीक है, अब सर से मिल के अच्छा लगा। अभी हम निकलते हैं पुष्कर के तरफ। पुष्कर यहाँ से कितने के दूर पड़ा? 180 किलोमीटर का सफ़र है, और शाम तक निकाल ही देंगे। आपको पता ही है, सफ़र तो हम जितना मर्जी हो निकाल ही लेते हैं, चाहे अंधेरा हो जाए। ठीक है, फिलहाल चलते हैं। लो जी, जोधपुर सिटी से बाहर आ चुके, और बाइक में पेट्रोल बिल्कुल कम हो चुका था, रिजर्व काफ़ी टाइम की लगी चुकी थी, और उसके बाद अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो हमने सोचा पहले इसको टैंकी फिल कराते हैं, फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर ऑयल ना 108 रुपये पेट्रोल है, और पीछे जैसलमेर में था 111 रुपये, यहाँ सस्ता थोड़ा ना। हाँ जी वाह, तो इतना फ़र्क है। फिलहाल भी टैंकी फुल करवाते लगभग 1500-1600 के करीब होगी, क्योंकि आज ऑयल थोड़ा ज़्यादा खा चुकी है, और इस बार बारी है मेरी ऑयल डलवाने की। तो जी एक के करीब का टाइम हो चुका है, अभी हम लगभग 50 किलोमीटर निकाल चुके हैं लगातार। हमारा पहला स्टॉपेज, जगह का नाम पता नहीं है, मेन हाईवे पर ही है भाई, जो जोधपुर से पुष्कर की तरफ जाता है, इसके ऊपर ही है ये ढाबा एक, और ऐसा कुछ एरिया आ चुका है भाई। कभी कभी ये कीक करके छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं, कहीं कहीं रूखा सूखा एरिया आ जाता है, और ये तेजल होटल है भाई। अभी थोड़ी देर बाइक गर्म है ना बदलने की, बाकी ऑयल वगैरह डलवाने के बाद ना, और चैन वगैरह कसवाने के बाद स्मूथ हो गई है भाई, बहुत मस्त चलने लगी है, मज़ा आ रहा है अब तो चलाने में भी। है ना, ठीक किया, उससे पहले दिलवा लेना चाहिए था, अब स्मूथ चलने लगी है, बहुत मस्त वाली भाई। ठीक है, फिलहाल अभी चाय पिएगा? ठीक है भाई, ठीक है भाई, चाय पीते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। चाय पीना बहाना हो जाता है, नहीं तो खाना मनी, चाय पीना बहाना हो जाता है रेस्ट करने का, फिर आदमी जितनी देर मर्जी होटल पर बैठा रहे। लो जी टाइम हो चुका 4:30 के करीब का, लगभग जोधपुर से आगे 70-80 किलोमीटर, और जहां पीछे चाय पी थी वहां से आगे 30-40 किलोमीटर। अभी हम पहुंच चुके हैं गिरी जगह का नाम है, और सामने पहाड़ दिखाई देने लग गए हैं भाई, पथरीले पहाड़, मतलब रूखे सूखे से पेड़ पौधे नहीं है, ऐसे पहाड़ दिखाई देने लग गए हैं। और हमें लगी है जी भूख थोड़ी, तो हम सोच रहे हैं यहाँ बैठ के एक बार और चाय के साथ कुछ खा पी लेते हैं, फिर शाम को जाकर पुष्कर में खाना खाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं, महावीर टी स्टॉल है भाई, और कुल्हड़ वाली चाय भी है यहाँ पर, और सूर्य देवता बिल्कुल सीधे लग रहे हैं भाई, पूरी तसल्ले वाली गर्मी हो चुकी है, और ऐसा कुछ नज़ारा इधर का, ये देखो भाई ऐसा कुछ नज़ारा इधर का। ठीक है, फिलहाल चलते हैं चाय पीते हैं, मनी भाई तो लग गया नमकीन शमकीन खाने।
जी अभी हम आज राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में, और भाई साहब यहाँ पर फीलिंग आ रही है सारी नॉर्थ वाली और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों वाली। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी कम हो गई, ठंडा ठंडा कूल कूल से एरिया आ गया। और लेफ्ट साइड में है जी रेलवे लाइन, मतलब ट्रेन भी यहाँ से निकल के जाती है खूबसूरत पहाड़ों के अंदर से, तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई साहब। हालांकि फीलिंग आ गई है राजस्थान में डेजर्ट एरिया से ना एकदम इस हरे भरे पहाड़ों वाले एरिया में आ गया, माउंटेन्स एरिया में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। टाइम हो चुका है शाम के 6:14, और आज सफर है कि कटता ही नहीं है भाई, चले जा रहा खत्म ही नहीं हो रहा। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर अजमेर है, और अजमेर से पुष्कर कितना है? 10 किलोमीटर, वो यानी कि 27 किलोमीटर अभी भी पुष्कर पड़ा है। और सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं भाई, और कुछ ऐसा नज़ारा है इस एरिए का भाई साहब। माउंटेन शुरू हो चुके हैं और हरियाली भी शुरू है, और बाकी हाईवे बहुत ही चका भाई, 6 लाइन हाईवे है मस्त वाला भाई। फिर भी सफर कट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है यार, चले जा रहे आज तो थक गया यार बिल्कुल। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, और शायद हाँ पुष्कर तो पहुंचेंगे यार, चाहे पूछ रहे यार, होली भी देखनी है ना। और वो सामने अंकल आंटी जा रहे हैं एक भाई राजस्थानी ड्रेस में, वो देखो स्वागत है आपका अजमेर सिटी में। पुष्कर अभी यहाँ से रह चुका है जी 20 किलोमीटर, और ये सीधा रास्ता पुष्कर ही जाएगा। और अभी आपको दिखाते हैं शाम का सनसेट का नज़ारा, सनसेट हो चुका है बट उसकी रोशनी रह गई है, लालिमा जो रह जाती है ना वो रह चुकी है। और ये शाम का इधर का अजमेर का नज़ारा भाई साहब। लो जी देखो होली की पूरी तैयारी चल रही है, होली दहन के लकड़ियां लगा के, मेरे को लग रहा होली दहन आज है शायद ना, देखना भाई इकट्ठा कर रखा है सारा, और आग वगैरह भी लगा रहे हैं, तो पता नहीं शायद क्या चक्कर अभी आ जाए कल की है। ठीक है फिलहाल चलते हैं आगे। स्वागत है जी आपका पुष्कर में, पुष्कर में एंट्री हो चुकी है भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा एंटर होती भाई। और सामने ये रास्ता, ये 58 हाईवे है ना मणि, 58 ही है भाई ये, 58 हाईवे सीधे ही पुष्कर अजमेर से सीधे ही आता भाई, और ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। राइट साइड पुष्कर सरोवर है जी, पुष्कर लेक होटल सरोवर, और ये है जी गुरुद्वारा साहिब। लो जी टाइम हो चुका 8:40, पुष्कर आपको पता ही पहुंच चुके थे, पुष्कर में आगे गुरुद्वारा साहिब में रूम मिल गया था, रूम क्या हॉल ही मिल गया दोनों भाइयों, काफी बड़ा रूम है भाई।
और इधर अपना आलस बिखेरा जा रहा है, और आते ही बिजली बोर्ड इधर उधर रख दिया, सारा बिजली बोर्ड बना दिया भाई, अभी खोलेंगे उसको दफ्तर लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, पुष्कर बहुत ही खूबसूरत एरिया है और काफ़ी ऐतिहासिक जगह भी है। बाकी सारा कुछ इसके बारे में कल को बताएंगे और कल को दिखाएंगे आपको होली यहाँ की, जो काफ़ी इंटरनेशनल फेमस है भाई, इंडिया में दूसरे नंबर इंटरनेशनल फेमस है, तो वो दिखाएंगे। होली का पता ही नहीं लग रहा कब शुरू हो गया, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो अभी बता रहे हैं यहाँ पर 4 तारीख से शुरू, 4 से 7 तक, पर कोई बोल रहा है 6 से 8 है, ऐसा कुछ है, कोई 7 से 8 है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आज होली है तो आप सबको हैप्पी होली, अगर कल है तो आपको फिर कल वाले व्लॉग में हैप्पी होली बोल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, कल दिखाएंगे आपको सारा पुष्कर और यहाँ के आसपास का नज़ारा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थक चुके हैं ना, काफ़ी सफ़र निकाला आज भी, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।